तो गाइस आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार बेन यहाँ पर केविन में बदल जाता है, केविन यहाँ पर बेन में बदल जाता है। तो ये चीज सिर्फ बेन के साथ नहीं हुई, ग्वेन के साथ भी हुई है। एक बार यहाँ पर ग्वेन चार्म कास्टर में बदल जाती है, चार्म कास्टर ग्वेन में बदल जाती है। तो गाइस बेन 10 रीबूट के एक एपिसोड में ग्वेन यहाँ पर अपनी एक बुक पढ़ रही होती है और बेन उसको यहाँ पर छीन लेता है और ग्वेन से बोलता है कि तुम मेरे साथ खेलो। ग्वेन यहाँ पर उसको मना कर देती है। ये सब चीजें चार्म कास्टर देख रही होती है और सोच रही होती है कि ग्वेन की लाइफ कितनी मस्त है। वो यहीं पे अपने बुक का यूज करती है, अपने आप को ग्वेन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ग्वेन को यहाँ पर बिजी करके ग्वेन को चार्म कास्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसके बाद बेन जो है वो चार्म कास्टर को देखते हैं और उसके पीछे लग जाता है। वो जो है वो चार्म कास्टर की बुक लेने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। ग्वेन यहाँ पर सोचती है कि बेन बुक के लिए मेरा यहाँ पर इतना पीछा क्यों कर रहा है। बेन यहाँ पर रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे वो बुक छीनने के लिए कोशिश करता है। ग्वेन को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि बेन यहाँ पर मेरा पीछा कर क्यों रहा है। बेन एकदम ग्वेन को एंड पॉइंट पे ले जाता है कि तभी चार्म कास्टर का स्पेल जो है वो उल्टा पड़ जाता है एंड ग्वेन वापस से ठीक हो जाती है और चार्म कास्टर वापस से चार्म कास्टर बन जाती है। तो इस तरीके से सब कुछ ठीक हो जाता है।